जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में हर साल की तरह इस साल भी मनकरा रोड से लेकर दलपतपुर तक भारतीय किसान यूनियन टिकेत ने तिरंगा यात्रा निकालकर देश की मोहब्बत का सबूत दिया। इस रैली में भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कुछ पंचायतों में विभिन्न समस्याओं का जिक्र कर तथा राष्ट्रीय आह्वान पर एक किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा को निकालकर मांगे रखी जाएंगी, मांगे पूरी न होने पर धरना देने की भी चेतावनी दी गई है। ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह व नरेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में मनकरा रोड से दलपतपुर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया गया। वहीं किसानों के पदाधिकारी ने बताया कि लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे मुंडा पांडे क्षेत्र में कई ऐसे होटल हैं जहां पर होटलों में गलत काम चल रहे हैं, उन होटलों को पुलिस द्वारा जाँच करने के बाद बंद किया जाए। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन टिकेट के पदाधिकारी ने SHO मुंडा पांडे को ज्ञापन देकर समस्याओं का समाधान करने की बात कही। वहीं थाना मुंडा पांडे SHO ने बताया कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस मौके पर माखन सिंह, अजय पाल सिंह, राधेश्याम रविंद्र, नरेश प्रताप सिंह आदाब, अंशु यादव, जयवीर सिंह, सत्यपाल सिंह, मुन्ना सिंह सागर, रियासत संगठन मंत्री, जिला उपाध्यक्ष आदि लोग मौजूद रहे। ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में सभी किसानों का भारी सहयोग रहा। मैंने इनका जो सम्मानित इनका ज्ञापन है वो प्राप्त कर लिया और जो संबंधित उच्च अधिकारी है उनके पास सम्मान भेजा जाएगा। मेरी तरफ से भी इसमें अलग से जो स्थानीय समस्याएं हैं वो मुझे भी जानकारी है, क्योंकि ठाकुर राज्यपाल सिंह, जिला प्रचार मंत्री भारतीय किसान टिकेट। आज क्या प्रोग्राम है आपका? आज हमारा राष्ट्रीय आह्वान है और हम मनकरा मोड़ से दलपतपुर तक हमारा ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी। तिरंगा यात्रा है हमारी, हर वर्ष जो हम निकालते हैं, और ये से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो किसानों की जो पीड़ा है, ये किसानों का जो संपूर्ण कर्ज माफ़ी का जो मुद्दा उठाया था हम लोगों ने, वो अभी सरकार इसके वादे करके भी सरकार भूल गई है। और MSP गारंटी कानून, जो फसलों का हमें मूल्य, वाजिब मूल्य मिलना चाहिए, लाभकारी मूल्य आज तक किसी भी सरकार ने हमें नहीं दिया, ये हमारा लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए। और इसी के साथ मैं एक दो बात और कहूँगा कि हमारे क्षेत्र में जो नए पत्रकार, कुछ लड़के नए पत्रकार हैं जो गलत तरीके से थानों में और जहाँ तहाँ पैसे लेके किसानों को परेशान करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, तुरंत बंद होना चाहिए। पुराने जो पत्रकार हैं उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। और मैं एक और चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे जो हाईवे, नेशनल हाईवे पर जो जहाँ तक होटल हैं, उन होटलों में कुछ गलत काम हो रहे हैं, तो अगर ये जल्द से जल्द प्रशासन ने ये संज्ञान नहीं लिया तो हम इसके खिलाफ़ भी एक धरना प्रदर्शन